शांति, गुड मॉर्निंग अदिति बहन, और शांति दीदी। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। और आज हम अनुभूति से, हेमा बहन और वैशाली बहन, आपका वापस एक साल के बाद स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर अदिति सिंगर, आप नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन, क्योंकि आप मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी की इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, क्योंकि वो हम जब उनसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि काफी अमेरिका के स्टूडेंट्स, बिकॉज शी इज अ मैथमेटिशियन, तो काफी अमेरिका के स्टूडेंट्स जो है उनको भी वो रेगुलरली कोचिंग करती है, काउंसलिंग करते हैं। आप ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आपका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, और उससे भी बड़ा नाम बाबा के दिल की किताब में भी आ चुका है ना। जब बाबा के दिल पर चढ़ जाता है तो विश्व में वो एक जलते दिए की तरह, जैसे आज आप हमारे पास आई हैं, और नई नई विशेषताओं से कैसे हम बाबा से जुड़े और बाबा के साथ नवीनता से कैसे योग लगाएं, क्योंकि हम योग लगाते हैं तो अगर रोज रोज मैं आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा से योग लगाना है, अगर उसी को हम रिपीट करते हैं तो कभी कभी हम फिर वो एक रूटीन हो जाता है। लेकिन हमने कई अदिति दीदी के बातें सुनी हैं, उनके क्लासेस सुने हैं, और वो जिस तरह से सहजता से बताती हैं तो सोचा कि आप सभी को भी उसका लाभ मिले। और विशेष जो हमारा अनुभव है कि आप बहुत बहुत सरल, मधुर, आज्ञाकारी, नम्र और बाबा की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। तो अदिति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू वैशाली दीदी, हेमा दीदी और हमारे पूरे ईश्वरीय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, स्वागत भी है। दीदी ने कहा कि बाबा जिसको मिल गया, बाकी सब चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्राप्त होती हैं, क्योंकि पाना था सो पा लिया, बाकी अब क्या रहा। और जितने भी हमारे ऊपर लेबल्स लगते हैं बाबा के बनने के बाद, विशेषताओं के लेबल्स कहें, वो भी हमारी अपनी कोई विशेषता नहीं है। बाबा ने पहचाना, बाबा हर बच्चे के अंदर विशेषताएं भरता है उसके रोल के हिसाब से। जो ड्रामा में उसका रोल है, उसको बाबा को कहाँ पर अपने बच्चे को यूज करना है, उसके अनुसार वो हमारी में विशेषताएं भरता भी है और यूज भी करता है। और ये हम सभी बच्चों का भाग्य है कि बाबा ने हमको चुना। मुझे लगता है कि राजयोग का, मैं कई बार आपस में जब बात होती है ब्राह्मणों के बीच में, तो मैं यही कहती हूँ, राजयोग है क्या? राजयोग वास्तव में देखा जाए तो जो मुझे अपने अंदर अनुभूति होती है, बाबा और बाबा से मिली हुई विशेषताएं, बाबा से मिली हुई प्राप्तियां, उसके अंदर अपने आप को, अपने भाग्य को सदा 5,000 साल में देखते रहना, जिसको बाबा 5 स्वरूपों का अभ्यास कहते हैं। मुझे लगता है सिर्फ उस खुशी में रहना, उस सुख के अनुभव में रहना, दैट इज, मतलब मुझे लगता है इट्स वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी मैं अपने सीनियर्स दीदियों से भी बात करती हूँ कि कई बार हम अब एक दायरा बना देते हैं, कई बार कि हमें इसी प्रकार से योग करना है या ये पर्टिकुलर ड्रिल इतनी बार करनी है। तो वास्तव में देखा जाए, ये सब विधियां बताई जाती हैं हमको, जिससे कि हम अपने समय को सफल कर सकें। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम योग में क्या करें, तो ये ड्रिल्स हमको हेल्प करते हैं कि चलो कोई कॉमेंट्री चला ली हमने, या ये पर्टिकुलर ड्रिल इस सोमवार में हमको बैठना है, लेकिन वो भी कितना समय, वो भी कई बार बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है। ऐसा लगता है, अच्छा ये समय हो गया, अब ये वाली ड्रिल करनी है, ये समय हो गया, ये वाली ड्रिल करनी है। वो भी हम करें, लेकिन उसके अंदर नए नए प्रकार से ड्रिल करना, नवीनता लाना, नए नए संकल्पों को रचना, ये हमें बाबा की मुरलियों से मिलता है। क्योंकि बाबा ने मुरलियों के अंदर जितनी मुरलियां चलाई हैं, चाहे साकार या अव्यक्त मुरली, अगर हम इस जन्म में, क्योंकि यही जन्म है ज्ञान का, तो
जितना भी इस शरीर को छोड़ने से पहले उस ज्ञान को हम हप कर ले, जितना ले ले हम और उसका स्वरूप बनते जाए। कई बार मुझे लगता है इतना बाबा ने ज्ञान दिया है, ऑल्दो सार रूप में एक बात है लेकिन उसका विस्तार भी इतना है कि इतनी मुरलियां उसका अध्ययन, उसके डेप्थ में जाना, जिसको बाबा कहते हैं सागर के तले में जाओ तो रतन निकलेंगे। तो वो तले में जाना, वो मंथन करना, उस अनुभूति में रहना, ये यही मैं कहूंगी कि राजयोग है भी यही ज्ञान और योग, यही राजयोग है। तो इसमें हम नवीनता रूप से कैसे ला सकते हैं, वो बाबा हमें ज्ञान के थ्रू नवीनता देता है। रोज रोज बाबा हमको कई बातें, कई पॉइंट्स देता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे पहले मैं एक चीज जो एम्फेसाइज करना चाहूंगी, जिसको मैंने भी कुछ समय बाद समझा, कि ज्ञान में हम कुछ दिन मुरली सुनते हैं और मुरली सुनने के मान लीजिए महीना हो गया, दो महीना हो गया, हम सारी बाबा की वोकैबुलरी समझने लगे। ऑल्दो वोकैबुलरी दो महीने में समझ भी नहीं आती है, धीरे धीरे मुझे लगता है शायद एक साल दो साल लगता है, नई नई बातें आती रहती है। तो चलिए वो भी हो गया, फिर एक लगता है कि रोज रोज बाबा वही बात तो कहता है। देखिए राजयोग जो है हर दिन नया है, हर दिन नया है, ज्ञान भी नया है, योग में भी नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि बिना नवीनता के हम आगे नहीं चल सकते। एक ही चीज रोज खाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है, बाबा की वही वही बातें नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों? ये मैंने अपनी जर्नी में महसूस किया। शुरू में नहीं लगता था, शुरू में लगा कुछ समय बाद कि हाँ मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा पिता है, उससे मेरे ये सर्व संबंध है, मैं 5000 साल की साइकिल में ऐसे देवता से, फिर पूज्य से पुजारी बनी, ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बने, और ये सारे स्वरूप हैं हमारे, सारा ज्ञान क्लियर हो गया, वही तो बाबा बताता है। लेकिन स्पेशली मैंने लास्ट फ्यू इयर्स में देखा कि हमारे लिए कभी भी कुछ भी रिपीट नहीं होता है अगर हमारी चढ़ती कला है तो, बिकॉज विथ ईच डे We are growing. हम हर दिन के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है, हमारी धारणाओं में परिवर्तन आ रहा है, अगर हम बाबा की बातों को फॉलो कर रहे हैं तो जो मैं 12 साल पहले जब ज्ञान में आई थी उसी मुरली को सुनती थी, और मैंने 5 साल बाद उस मुरली को सुना, या आज मैं उसी मुरली को सुनती हूँ, तो तीनों में फर्क है। क्योंकि मेरा बुद्धि का स्तर वो नहीं है, मेरी धारणाओं का स्तर वो नहीं है, मैं ही वो नहीं हूं। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में जब हम उस मुरली को सुनते हैं, उस ज्ञान के पॉइंट को सुनते हैं, वो मेरा लेने का जो तरीका है वो डेफिनेटली चेंज होगा। वो सेम पॉइंट रहेगी नहीं, चाहे वो एक ही पॉइंट है, मैं आत्मा हूं। बहुत डेप्थ की बात है, जो मैंने भी इन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा इस चीज को रियलाइज किया कि मैं आत्मा हूं। लेकिन ये बात बाबा पहले चैप्टर से, पहले दिन से हमको सिखा रहे हैं, मैं आत्मा हूं। लेकिन हर दिन इस आत्मा में कुछ एडिशन होती है, कुछ शक्तियों की एडिशन होती है, कुछ गुणों की एडिशन होती है, कुछ धारणाओं की एडिशन होती है, पवित्रता की एडिशन होती है। इसलिए हर दिन जब मैं मुरली सुनती हूँ, या हम में से कोई भी सुनता है, वास्तव में वो ज्ञान फिर हमारे लिए, हमारी बुद्धि के लिए वो ताजा भोजन हो जाता है, नया भोजन हो जाता है, क्योंकि हम बदल गए, हमारी बुद्धि का लेवल बदल गया। हाँ, जिसने बुद्धि पे काम नहीं किया, जिसने उस ज्ञान को धारण नहीं किया, जिसका लेवल आगे नहीं बढ़ा, सैचुरेट हो गया, उसको वही ज्ञान लगेगा। कल भी बाबा ने यही कहा था, आज भी बाबा ने यही कहा, राइट? मानते हैं इस बात को? हाँ, जब हमारे अंदर ग्रोथ आती है तो हमें वो नित नई बात अनुभव होती है। अब ये ग्रोथ आए कैसे, उसके लिए बाबा ने हमें अनेक युक्तियां बताई है। तो कुछ युक्तियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके अंदर। योग की अनुभूति की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले वो युक्तियां क्या हैं और फिर उन युक्तियों के द्वारा हम अनुभूति कैसे करें। तो सबसे पहली युक्ति जो बहुत सहज है, सरल है, और बाबा ने हमें राजयोग में पहला वायदा हमसे ये लिया, और संग तोड़ एक संग जोड़ना। बाबा ने कहा देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझसे सर्व संबंध बनाओ। तो
तो जो सर्व संबंध बनाने की विधि बाबा ने बताई है एक के साथ बनाने की, ये बहुत सुंदर युक्ति है जिससे हम अपनी मेडिटेशन में रोज नई नई क्रिएटिविटी ला सकते हैं। आप सोचिए हमारे जो संबंध होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स, लॉकिंग रिलेशनशिप्स जो हैं, उसमें भी हम कोई ना कोई नवीनता लेकर आते रहते हैं। रोज एक ही बात तो नहीं करते ना। आज एक छोटी सी बात है, आज अपने बच्चे को भी आप रोज एक ही बात शिक्षा देते हो, कहते क्या मम्मी आप रोज रोज एक ही बात कहते रहते हो, है ना, उसको भी नहीं पसंद आती वो रोज एक एक बात। उसी बात को अगर आपने समझानी है तो आज कुछ नवीनता लानी पड़ेगी, आज कुछ नए ढंग से बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं सुनेगा, वो आपका डायलॉग आपसे पहले रिपीट कर देगा। होता है नहीं होता, मुझे पता है अब आप ये बोलोगे, राइट। तो बाबा भी हमको ज्ञान, जब हमारे सर्व संबंध की बात है, तो जैसे इन स्थूल संबंधों में भी, लौकिक संबंधों में भी हम कोई ना कोई नवीनता लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते हैं, रोज एक सी चीज नहीं करते। उसी तरीके से बाबा के साथ भी सर्व संबंधों में रोज कुछ नयापन लेकर आना। संबंध कैसे बनते हैं हमारे, पहले तो इसको समझना है, क्योंकि एक होता है ज्ञान के आधार से संबंध, कि वो मेरा पिता मैं उसका बच्चा, वो मेरा टीचर मैं उसका स्टूडेंट, वो मेरे सदगुरु मैं फॉलोअर, हाँ वो मेरा सर्जन मैं पेशेंट। हाँ बहुत अलग अलग रूप से हमने वो तो ज्ञान के आधार से तो समझ लिया, लेकिन अनुभव करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरा निरंतर उस रिलेशनशिप के जो मैं लौकिक में जैसे अनुभव करती हूँ वैसा मेरा उनके साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको लौकिक एग्जाम्पल ही देती हूँ कि मान लीजिए आज मैं बैंक में जाती हूँ। हाँ मैं आपने इससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत टाइम बाद आप कभी साल में एक बार उनसे मिलो, या शादी ब्याह में ही मिलो, फंक्शंस में ही मिलो, ऐसे मौके पे मिलते हैं, कैसे हो जी, क्या हो, बच्चे कैसे हैं, कौन सी क्लास में आ गए, अच्छा आपने कुछ लिया क्या, समझ नहीं आता क्या बात करें उनसे, क्योंकि हम रोज उनके साथ इंटरेक्शन में नहीं होते, है ना, होता है ना, सोचना पड़ता है इनसे क्या बात करें। और एक होते हैं जिनसे हम रोज बात करते हैं, उनको हम अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में, हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई भी है, मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो उनसे हम ज्यादा नजदीकता महसूस करते हैं। उनका फोन आ जाए, अभी ब्राह्मणों के साथ तो ऐसी बात नहीं है, मैं लौकिक रूप से बात कर रही हूँ, कि उनका फोन आ जाए तो घंटा घंटा भी बात कर लेते हैं, कर लेते थे, अभी तो हम अपने समय को सफल करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हम सब अनुभवी तो है ना कि जिनके साथ हम रोज चिटचैट करते हैं, हमारे पर रोज की कई बातें होती हैं करने के लिए, और जिनके साथ कभी कभी मिलते हैं बड़े फॉर्मली मिलते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप क्लोज के हैं, लेकिन फिर भी वो संबंध हमारे नजदीकता का नहीं होता। तो ये नजदीकता के संबंध बनते कैसे हैं, यूं तो हम सभी अनुभवी हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज क्लियर करती हूँ। कि पहले मैं पूछना चाहूंगी दीदी से, दीदी ये क्लास का टाइम कब तक है, वैसे 7:30 तक आपने बोला है, लेकिन मुझे अपना पार्ट कब तक पूरा करना है उसका। ऑल इज योर पार्ट। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर रखने हो उसका लिए कुछ समय, ठीक, या 10-15 मिनट्स, दैट्स फाइन। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कहा उतने ही आगे लूंगा उसको। तो मान लीजिए रिश्ता कैसे बनता है उसका एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हमें बाबा के साथ हर संबंध अनुभव करना है ना, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कि मान लीजिए मैं बैंक में जाती हूँ और मुझे बैंक में आज अपना कोई खाता खोलना है, और वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आई एम नॉट यूज टू ऑल दिस, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। तो इतने में एक लेडी मेरी ही एज की मेरे पास आती है और कहती है कि मैं हेल्प यू, मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हाँ, ये पता नहीं फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या करना है, उसने मुझे हेल्प किया थोड़ा, बड़े प्यार से मुझे समझाया बच्चे की तरह और मेरा काम करा दिया, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, मैंने उसको बड़े थैंक्स करा और मैं अपना काम करके आ गई। शाम को मैं किसी मैरिज में गई और जब हम एंटर कर रहे थे तभी वो मुझे मिली और हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, अरे ये तो वही है जिसने आज मुझे बैंक में हेल्प करी थी। मैं कहती हूँ अरे आप यहाँ कैसे, कहती आप यहाँ कैसे, मैंने कहा मैं तो वहां रहती हूँ ना, सिविल लाइन्स रहती हूँ ना, ये हमारे पड़ोसी हैं जिनके यहाँ शादी में आई। कहते अरे हम भी तो पड़ोसी हैं इनके। हाँ
वो चाहे थोड़े से दूर रहते थे लेकिन पड़ोस के नाते आए थे। कहा अरे वाह आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं? उन्होंने बताया मैं यहाँ रहती हूँ। अरे वाह कमाल की बात है, अब हमारा नजदीकी थोड़ी और हो गई क्योंकि हम एक ही एरिया के हो गए। फिर मैं उनसे धीरे धीरे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा क्या एज है? मैंने कहा अच्छा मेरा बेटा भी 6th में पढ़ता है। आपका बेटा भी 6th में पढ़ता है, कौन से स्कूल में? अरे स्कूल में सेम है, कमाल है, हमें तो कितनी सिमिलैरिटी है, आज तो लगता भगवान ने ही हमको मिला दिया। चलिए हम फिर हमारी जो भी वो शॉर्ट मीटिंग रहती है वी एक्सचेंज आर नंबर्स ऑल्सो कि चलो कभी आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे बच्चों की हेल्प में तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। नेक्स्ट डे मुझे कुछ जरूरत पड़ती है मैं उन्हें कॉल करती हूँ। शी हेल्प्स मी अ लॉट कि हाँ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, टीचर से ऐसे बात कर लीजिए, ऐसे थैंक यू थैंक यू। अगली बार उनको कोई बात की जरूरत लगती है वो मुझे कॉल करते हैं। और ऐसे ऐसे वी स्टार्ट डिस्कसिंग आर चिल्ड्रन, वी स्टार्ट डिस्कसिंग आर द स्कूल द टीचर्स, और फिर धीरे धीरे हमारी बातें हमारे घर पे भी आने लगती है। आज मैंने क्या बनाया नाश्ते में, मेरे बेटे को क्या पसंद है, उन्होंने भी वो सब शुरू किया, ऐसे ही शुरू होता है ना। और अब वो मेरे से इतना क्लोज हो गए, मैं उनसे इतना क्लोज हो गई कि हम वेट करते हैं काम से फ्री हो तो एक फोन जरा उनको लगा ही ले, क्या कर रहे हो भाई? हमने शॉपिंग भी स्टार्ट शुरू कर दी। कहने का मतलब है कि ये संबंध हो सकता है मेरा सबसे क्लोज संबंध बन जाए जिसके साथ मेरा दिल मिलता है। क्यों बनाइए, कैसे बनाइए संबंध, जहां जब समानता आई कई बातों के अंदर, जहां मैंने अपनी हर बात शेयर करी और मुझे वहां से हेल्प मिली, है ना, उन्होंने भी कुछ बात मुझसे कही, मैंने भी उनसे कुछ बात कही, तभी तो रिश्ता बनता है ना। तो एक होता है सिर्फ ज्ञान के आधार से बाबा के साथ संबंध, और एक होता है जैसे लौकिक में जो संबंध होता है, चाहे माँ पिता और बच्चे का संबंध है। तो बस हमने भक्ति में आरतियां गाई, ज्ञान में भी पता लग गया कि वो हमारा पिता है, लेकिन क्या मुझे उस चीज की महसूसता होती है मेरा पिता है तो पिता और बच्चे का क्या संबंध होता है? उसकी जो विशेषताएं होती है, जब पिता साथ है तो बच्चे को डर नहीं लगता, है ना, जब पिता साथ है उसको सिक्योरिटी महसूस होती है, साथ साथ उसको पता होता है मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है, मेरे फादर बैठे हैं मेरी चिंता करने के लिए, है ना, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात है, बिजनेस से रिलेटेड कोई बात है। इनफैक्ट एक बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है, हमारी उम्र में भी होता है, तो भी उसके फादर उसके साथ में बिजनेस संभालते या नहीं संभालते, घर में भी बैठे तो भी बैठे का भी सहारा लगता है, कहते कोई बात डिस्कस तो कर सकते हैं उनसे, राइट। तो क्या हमको ऐसी अनुभूति होती है, क्या हमें कभी कभी कोई डर लगता है? डर लगता है तो क्या उस समय मुझे याद है कि सर्वशक्तिमान मेरा पिता है? क्योंकि इस संबंध को मैंने बहुत अनुभव किया, और सबसे पहला यही संबंध था जो मैंने अपने जीवन में बाबा के साथ बनाया। इजी भी है, पिता और बच्चे का संबंध बनाना सबसे इजी भी है, और लौकिक में भी मैं अपने फादर से बहुत क्लोज थी, आज भी हूँ, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना पारलौकिक बाप मिल गया तो जैसे सारी पूर्ति सब चीजों की बाबा नहीं करती। तो बचपन में अपने पिता से हर बात पूछना, पूछ के डिसीशन लेना, उनके ऊपर छोड़ देना, विश्वास रखना, ये सब मेरे अंदर था पापा के साथ रिलेशनशिप। लेकिन जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो क्या होने लगा, अब हर बात तो अपने घर की पापा से नहीं डिस्कस करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने लगी, चिंताएं बढ़ने लग गई, अपने ऊपर जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, हम ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें। फिर छोटी छोटी बात में चिंता, इनसिक्योरिटी, इसको कुछ ना हो जाए वो ठीक रहे, ये सब बढ़ने लगा। लेकिन जब बाबा मिला तो मुझे जब पहले इस संबंध का अनुभव हुआ, अनुभव कैसे हुआ, मैंने जाते ही जब ये रिश्ता पता लगाना वो मेरा पिता है, सर्वशक्तिमान है, तो जैसे मैंने अपनी हर बात उस रूप से जैसे मैं अपने लौकिक फादर से करती थी, मैंने बाबा को कहनी शुरू कर दी, और मैं बाबा के साथ सच में वो मेरे को बाबा ने अनुभव कराए, बाबा साथ है, क्योंकि मैं डरती बहुत थी, कॉन्फिडेंस रूप भी मेरा बहुत कम था, बहुत लो सेल्फ एस्टीम, उस रूप से भी डरती थी, अंधेरे से भी डरती थी, अकेले जाने से भी डरती थी, एक बॉडी कॉन्शियसनेस बीइंग अ फीमेल बहुत ज्यादा थी। तो बाबा को जब पिता बनाया उसके बाद एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, और वो चेंज का आधार यही था, ये एक विश्वास, बाबा सर्वशक्तिमान मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, उसकी गोद में मैं बैठी हूँ, जो जो हम पिता के साथ अनुभव करते हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ, वेरी सून
चाहे वो स्टेज पे बोलने की बात थी, उससे पहले नहीं बोला था मैंने, चाहे वो माइक पकड़ के कॉन्फिडेंस से बोलने की बात थी, चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमने की बात थी अकेले, जहां मैं घर में अकेले नहीं रहती थी, मैं वहां बाहर अकेले होटल के कमरे में भी अकेली रहती थी, और मुझे डर एक संकल्प मात्र भी नहीं आया। चाहे मैं कितने वहां पर टीम होती थी उनके साथ काम करती थी, मेरे को कभी नहीं आया, क्योंकि सदा ही बाबा के साथ एक कॉन्स्टेंट चिट चैट, हमेशा ही चले बाबा कैब में बैठे तो बाबा चले, चलिए बैठ जाइए मेरे साथ, चाहे बाबा को गाड़ी के ऊपर बिठाती थी, चाहे ड्राइविंग सीट पर बिठाती थी या बराबर वाली सीट पर बिठाती थी, बाबा मेरे साथ है। और बाबा को ये भी कहती थी पीछे से घर का भी ध्यान रखना, अधिकार है, क्योंकि बाप के ऊपर अधिकार भी होता है ना, लेकिन साथ साथ बाप के प्रति वो सम्मान भी, खाली अधिकार से काम नहीं कराते जाए हम बाबा को, लेकिन वो बाबा ने जो कहा बाबा की बात को मानना है ना, फरमान बरदार होना जो बाबा ने कहा, वो भी बाबा का जो फरमान वो फॉलो करना। तो हमने सारी बाबा की जो भी नियम धारणाएं थी उसको, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ फॉलो कर रहे हैं या हमने कुछ छोड़ा है। मैंने ये तो मुझे लगा बस पाया ही पाया है, ऑटोमेटिकली जैसे होता चला गया, और उसका रिजल्ट मतलब बाबा के साथ वो एक क्लोज कनेक्शन, कभी मुझे डर नहीं लगा उसके बाद किसी भी रूप से, ना सूक्ष्म का डर, ना कोई स्थूल इनसिक्योरिटी का डर, चाहे कहीं भी मैं गई संकल्प ही नहीं आया। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ, फिर सबसे पहले तो मैंने यही वाला रिश्ता बाबा के साथ बनाया, फिर धीरे धीरे बाबा की मुरलियों में जब आया मेरे साथ हर संबंध बना, तो हर संबंध को धीरे धीरे मैंने अनुभव करना शुरू किया, चाहे वो साजन सजनी का संबंध था, मुझे समझने में बहुत समय लगा कि ये संबंध कैसे बाबा के साथ बनाया जाता है, क्योंकि पिता का संबंध इजी है, बच्चे का संबंध कैसे बनाया जाता है ये समझने में समय लगा, लेकिन जब रियलाइज बाबा ने कराया तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव कराए। और विशेष मैं कहूंगी कि इतने सालों में बाबा के साथ इतना क्लोज कनेक्शन, मतलब एक ही कॉन्स्टेंट बाबा के साथ कनेक्ट होने की विधि है सर्व संबंध, क्योंकि कोई ना कोई संबंध से ही तो हम अपने इंट्रैक्शन में रहते हैं ना, तो जब वो हर संबंध से, और बाबा रियलाइज भी कराता है छोटी छोटी बातों में, कोई बात हमने किसी से डायरेक्ट कह दी नहीं हुई, फिर बाबा याद आता है कई बार, तो मैं सोचती हूँ अच्छा मान लीजिए बेटे को ही कुछ कहा और बेटे ने कह दिया अभी मेरे पर टाइम नहीं है मैं नहीं कर रहा, फिर याद आता है अरे बाबा मैं अपने बड़े बेटे को तो कहा ही नहीं, पहले छोटे बेटे को कह दिया, बड़ा बेटा समझ गए ना, दो बेटे हैं मेरे, लेकिन मेरे तीन बेटे, एक शिव बाबा मेरा बड़ा बेटा, तो मैं फिर बाबा को कहती हूँ, बाबा को कहती हूँ अरे बाबा आपको कहना भूल गई उसको पहले कह दिया। तो बाबा को सामने रखकर हम बाबा को जब पहले याद करके कहते हैं बाबा ये काम करना है हमको, फिर हम लौकिक संबंध में आते हैं बाबा के संबंध के थ्रू, तो मैंने देखा हमें सफलता भी मिलती है और बाबा की याद और बाबा की मदद भी मिलती है ना। तो एक है संबंध, और बाबा की मुरलियां आप पढ़िए, रोज की मुरली में कोई ना कोई संबंध होता है आपको। मैं ऐसी कल की मुरली जब पढ़ रही थी, अब आज तो 25 यहाँ हो गई आपकी 24 है, मैं सोच रही थी बाबा रोज कोई संबंध बता रहे हैं। देखिए 21 तारीख की मुरली में था कि बाबा ने कहा बड़ा रम्मीक संबंध है मेरा तुमसे, मैं बाप भी हूँ तो मैं बच्चा भी हूँ, और कैसे मैं बाप हूँ और कैसे मैं बच्चा हूँ, बड़े सारे पॉइंट्स थे मुरली के अंदर। तो उसको बाबा कहते मनन चिंतन करो तो अनुभूति होगी ना। अब हम किसी से क्या पूछे कि बाप और बच्चे का क्या रिश्ता होता है, हमें नहीं पता क्या रिश्ता होता है, वही उस पिता के साथ मेरा रिश्ता है ना, और फिर मैं माँ हूं और वो मेरा बच्चा है, ये किसको नहीं अनुभव है, हम सबको अनुभव है कि माँ क्या करती है बच्चे के लिए। इस पे मैं आपको एक अनुभव अपना सुनाती हूँ, क्योंकि मैं भोग लगाती थी बाबा को डेली, भक्ति मार्ग में भी लगाने की आदत थी सुबह का भोग, और ज्ञान में आए तो भी लगाते थे बाबा को, और थोड़ा बस पता लग गया किस रूप से विधि से भोग लगाना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, तो वो सब करने लगे, लेकिन मैं शाम को भोग नहीं लगाती थी, तो मैं किसी किसी का सुनती थी शाम को भी भोग लगाते, लेकिन अलबेलापन आ जाता था मुझे कि शाम को भोग लगाओ, भोग के बर्तन करो, स्पेशली मतलब उसके लिए उसी प्रकार से फिर आपका जैसे सुबह का जो भी तवा रखा है वो रखा सब धो साफ करो, तो मुझे लगता था मैंने कहा थोड़ा अलबेलापन आ जाता था। तो मैंने फिर एक दिन बाबा को कहा बाबा मेरी इच्छा है मैं शाम को भी भोग लगाऊं, लेकिन ये आलस आता है। तो मुझे ऐसा लगा बाबा ने मुझे कहा कि अपने बच्चों को शाम का भोजन कराते हो, बिना भोजन कराए सो जाते हो,
मैं कहा नहीं बाबा कराती हूँ, मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ। मैंने बस ये अनुभूति कराई मेरे को, जैसे मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ, तो मुझे बच्चे रूप में भोग लगा। तो मैंने उस दिन से बाबा के साथ, उस दिन मेरे को पहली बार, क्योंकि मैं बाबा को कहती भी थी बाबा बच्चे का संबंध कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मैंने बाबा को फिर कहा, मैंने कहा बाबा बच्चे का संबंध अनुभव कराओ। तो बाबा ने जैसे उस दिन मुझे कहा, क्योंकि बुद्धि में भी यही था, तो मैंने कहा मैं तेरा बच्चा हूं ना, तो मुझे बिना भोग लगाए तू कैसे दूसरे बच्चों को दे दे और मुझे नहीं दे। तो मैं फिर अब रोज बाबा से पूछती हूँ, कई बार समझ भी नहीं आता क्या बनाऊं, क्योंकि दिन का इतना बना होता है, तो बाबा से पूछती हूँ क्या खाओगे बाबा। और मैंने देखा बाबा ऐसी टचिंग दिलाते हैं, उससे पहले समझ नहीं आ रहा होता, जब पूछती हूँ तो कुछ टचिंग आती है, अच्छा ये जल्दी से बना ले। और कई बार पता लगता है बच्चों का भी वही खाने का मन होता है, हाँ मम्मी आज आपने ये बनाया ये अच्छा बनाया। तो उस रूप से बाबा के साथ बच्चे का भी संबंध। तो खैर मैं इसको शॉर्ट करती हूँ कि बाबा के साथ, बाबा ने जैसे कहा बाप का भी संबंध बच्चे का भी संबंध, अगले दिन मैंने देखा बाबा ने किस संबंध पे एम्फसाइज किया, मैं बोलती जाऊंगी आपको याद आता जाएगा। तो बाबा ने कहा था आशिक और माशुक का संबंध, साजन और सजनी का संबंध, पूरी मुरली बाबा ने उसी के ऊपर चलाई थी। तो वो संबंध बाबा ने कितने अच्छे रूप से बताया कि कैसे आशिक माशुक के तीन रूप से, एक विकार के रूप से होता है, एक सिर्फ चेहरा देखने का वो होता है, और एक बाबा के साथ जो हमारा संबंध आशिक माशुक का होता है। तो कैसे बाबा ने उस संबंध को क्लियर किया, उसकी डिटेल में जाके हम बाबा के साथ उस संबंध को अनुभव करें। फिर बाबा ने और भी जैसे जो कल की मुरली थी है ना, जो 23 तारीख की मुरली थी, परसों की मुरली थी, हाँ हमारे हिसाब से परसों की, उसमें बाबा ने कहा कि सर्जन से कुछ भी नहीं छुपाना है, सुप्रीम सर्जन से कुछ भी नहीं छुपाना है, कोई भी बीमारी हो तो वो बतानी है, नहीं तो वृद्धि को पाती रहेगी। तो रिश्ता बताया ना, आज मेरे साथ सर्जन का संबंध बनाओ। ऐसे ही बाबा ने 24 तारीख की मुरली में संबंध नहीं बोला बाबा ने, लेकिन जो मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था बाबा जैसे ये कह रहे हो कि स्टूडेंट का संबंध, टीचर और स्टूडेंट का संबंध। बाबा ने कहा एकांत में जाके, आज की मुरली में था ना 24 तारीख की मुरली में, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे मंथन करो, सवेरे सवेरे उठ के किसी पॉइंट को लेके मंथन करो। तो पढ़ाई के ऊपर बाबा ने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? परफेक्ट है, परफेक्ट। तो उस रूप से बाबा ने जैसे स्टूडेंट के रूप से किया, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, उसको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तो ये सब बातें जैसे उस रूप से बाबा ने टीचर के रूप से बताई, तो ये हमें ढूंढना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम देखते थे हमारे टीचर्स होते थे स्कूल में, आप सबका भी अनुभव रहा होगा, कुछ टीचर्स होते थे आते ही लेक्चर शुरू कर देते थे, और कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं जो आकर पहले बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर उस प्रश्न को पढ़ाई से कुछ कनेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं चलो आज मैं आपको ये समझाती हूँ। तो जैसे क्वेश्चन से ना क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं और हर एक के मन बुद्धि को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं वो टीचर, हमारा बाबा भी ऐसा ही है। मुरली में तो प्रश्न उत्तर आता ही है, लेकिन साथ साथ जब हम इस इंटेंशन से बैठते हैं आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, तो उस रूप से हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है वो हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। मेरे लिए आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने कौन से संबंध पे एम्फसाइज किया है, आज बाबा ने मेरे लिए कौन सी शिक्षा दी है, ये मुझे अपने लिए निकालना है, क्योंकि बाबा की वही मुरली लाखों बच्चों के लिए है, सारे बच्चों के लिए बाबा के, मेरे लिए आज बाबा ने क्या पॉइंट कहा। हर पॉइंट ही मेरे लिए है, लेकिन जरूर जो मेरे जीवन में चल रहा है या मेरी जो प्रोग्रेस चल रही है उसके आधार से आज बाबा ने मुझे क्या कहा करने के लिए, मुझे वो कैच करना है, तभी तो मैं विचार सागर मंथन कर पाऊंगी ना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके अलावा मैं अपनी पीपीटी भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि और किस रूप से हमें क्रिएटिविटी को लेकर आना है अपने मेडिटेशन में। वास्तव में देखा जाए तो नाम से ही हमें पता है कि राजयोगा का मतलब ही क्या है, वो योग जो हमें राजा बनाए, प्रेजेंट में स्वयं का राजा, स्वराज्य करना है, और भविष्य में विश्व का हमको राजा बनना है। तो ये जो राजयोग की विधि है ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है ना। तो इस आध्यात्मिक जर्नी में बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें निरंतर बाबा की याद में रहना है, निरंतर
उसके लिए बाबा विद्या बताते हैं कि ऐसा तो नहीं हम कर सकते सारा टाइम पॉइंट ऑफ लाइट बन के बैठे रहेंगे, कर्म भी करना है, कर्म योगी भी बनना है, तो हर कर्म करते चलते फिरते खाते पीते मैं योग में कैसे रहूं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं सदा अपने आप को रूहानी यात्री समझो कि मैं यात्रा पे हूं, कर्म करते भी मन और बुद्धि से यात्रा करनी। इसलिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे लिए दो शक्तियां जो बाबा ने हमको बताई, मन और बुद्धि, ये मन बुद्धि का योग है। शरीर से तो कोई यात्रा आपको करनी नहीं है इसके अंदर, तो मन और बुद्धि की विशेषताओं को जानते हुए हमें मन और बुद्धि का प्रयोग करना है इस योग में। और जितना हम सुंदर रूप से ये प्रयोग कर पाएंगे उतना हम सफल हो पाएंगे अपने योग में। अब जानते हैं कि मन की विशेषता क्या है। मन की विशेषता है, मन की दो विशेषताएं हैं, मन संकल्प उत्पन्न करता है और सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है कि कोई टाइम बैरियर नहीं है। आप संकल्प से 10 साल पहले एक सेकंड में पहुंच सकते हैं, आप संकल्प से 10 साल बाद एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। एग्रीड? पहुंच सकते हैं ना, ये मन की शक्ति है। दूसरी शक्ति क्या है, कोई डिस्टेंस बैरियर नहीं है। एक सेकंड में मैं यूएस पहुंच सकती हूँ, एक सेकंड में भारत के किसी कोने में पहुंच सकती हूँ, एक सेकंड में बाबा के कमरे में मधुबन पहुंच सकती हूँ, है ना, और एक सेकंड में परमधाम पहुंच सकती हूँ, राइट। अर्थात मेरी नॉलेज में जो कुछ है वहां मैं जा सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। ये मन की शक्ति है कि ना कोई डिस्टेंस बैरियर है ना कोई टाइम बैरियर है। और बुद्धि, बुद्धि की क्या विशेषता है? बुद्धि की विशेषता है कि बुद्धि हमारी जिसके अंदर समझ है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हमको दिया, जितनी हमको समझ है उस आधार से जो भी हम संकल्प करते हैं उस संकल्प का हमारा कोई ना कोई चित्र जरूर बनता है, जरूर बनता है, कोई ना कोई चित्र जरूर बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ सेब, एप्पल। एप्पल कहते ही आपकी बुद्धि में कोई चित्र आता है? कहते ही मैंने कहा एप्पल के बारे में सोचिए तो आता है? अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहती हूं, क्योंकि आपको एप्पल पता है, अब एप्पल आपका रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, किसी कलर का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी वैरायटी का हो सकता है, लेकिन एप्पल जूस हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आया होगा पिक्चर, हो नहीं सकता कि ना आया, राइट। अब मैं कहती हूँ मेलस फॉर्मूला, इसके बारे में सोचिए, इसको देखिए, सिर्फ सोचिए, दिख तो अपने आप ही जाएगा आपको। दिखा किसी को? दिखा? क्योंकि बुद्धि के अंदर ये शब्द नहीं है, बुद्धि के अंदर ये शब्द नहीं है। मेलस फॉर्मूला क्या होता है ना, तो ये शब्द ना होने के कारण बुद्धि चित्र नहीं देती। बुद्धि क्या करती है, स्कैन करती है अपनी मेमोरी के अंदर क्या क्या चित्र हैं। अब देखती है ये तो ज्ञान ही नहीं है इस चीज का, तो चित्र नहीं आता। अब मैं अगर आपको कहती हूँ मेलस फॉर्मूला जो है वो एप्पल का साइंटिफिक नेम है, एप्पल को ही साइंटिफिकली मेलस फॉर्मूला कहते हैं, अब चित्र आया? अब मैं अगर कहूँ मेलस फॉर्मूला जरा सोचिए, अब चित्र आया, राइट। इसका मतलब किसी भी चीज का चित्र बुद्धि में तब बनता है जब उसका ज्ञान हो। अब आप बताइए, ज्ञान लेने से पहले जब आप बाबा के नहीं बने थे, आपसे कोई कहता परम धाम, आपको दिखाई देता परम धाम? मालूम ही नहीं था परम धाम क्या होता है, है ना। इसी तरह अगर भगवान के बारे में जब सोचते थे तो अनेकों पिक्चर खुलती थी, किसी की देवी माँ की खुलेगी, किसी की हनुमान जी की खुलेगी। अभी भगवान का चित्र का भगवान के बारे में सोचो तो अपना पॉइंट ऑफ लाइट सिर्फ बाबा ही नजर आएगा और कुछ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार से बुद्धि हमारी विशाल हो गई, बुद्धि हमारी पवित्र हो गई, सत्य बुद्धि होती जा रही है, सत्य ज्ञान जिसमें है। तो अब मन और बुद्धि, बुद्धि के अंदर ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए योग बिना ज्ञान के नहीं लग सकता। पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान है, है ना, और फिर उस ज्ञान के आधार से हम योग लगाते हैं, ठीक। तो मन और बुद्धि ये दो हमारी शक्तियां हैं। मन में पिक्चर्स क्रिएट होती है, सॉरी, मन में संकल्प क्रिएट होते हैं और संकल्प का पिक्चर क्रिएट होगा ही होगा। कोई कहे मेरा पिक्चर क्रिएट नहीं होता, उसको फीलिंग नहीं आ रही है उसकी, इसलिए उसको ऐसा लगता है। चित्र तो क्रिएट होता ही है, चित्र तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, अब मैं जो वर्ड बोलूंगी वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और आपको उसको बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना, मैं पहले ही कह रही हूं देखना ही नहीं उसको। ब्लू एलिफेंट,
ब्लू एलिफेंट बिल्कुल मत देखिएगा, होता भी नहीं है ब्लू एलिफेंट, है ना, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, ग्रे होता है, ऐसे ही कलर होते हैं। आपको दिखा, आपको दिखा ना, आप रोकने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो दिखेगा, क्योंकि ब्लू कलर पता और एलिफेंट पता है, इसलिए उसके कॉम्बिनेशन को ब्लू एलिफेंट आप कर ही लोगे, राइट। तो बुद्धि में अगर होगा तो चित्र आएगा, आएगा ना आए आप ये कोई बात नहीं होती, हमें देखना नहीं आता, आता है हमें फील करना नहीं आता, इसलिए कई बार हमें लगता है हमें दिखता नहीं है। बाकी बुद्धि अपने आप चित्र बनाती ही बनाती है। मैं आपसे कहूं अपने बच्चे को, बच्चे के बारे में सोचिए, आएगा उसका चित्र, केवल सोच नहीं आ सकती अकेले, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी कि मन जो भी संकल्प करता है उसका कुछ ना कुछ पिक्चर क्रिएट जरूर होता है, और इसी शक्ति को हम यूज करेंगे योग के अंदर, जिसमें मन की यह शक्ति है टाइम और डिस्टेंस का बैरियर नहीं है। अब ये दो बातें जो है, ये लॉ, हाँ, ये बाबा ने हमें बताया, चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। अब स्मृति मतलब मन, जो बुद्धि में ज्ञान होगा उसके आधार से स्मृति आएगी, या जो आप देखोगे उसके आधार से स्मृति आएगी, या जो सोचोगे। तो संकल्प से स्मृति आती है, और जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है, ठीक है ना। अगर मुझे स्मृति है मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, तो मेरी स्थिति कैसी होगी, शक्तिशाली होगी ना, पावरफुल होगी ना, और मेरी स्मृति यही है। अगर स्मृति मेरी यही है, मैं कभी भी सफल नहीं हो पाती, तो स्थिति क्या होगी, कमजोरी की स्थिति होगी, है ना। तो स्मृति से स्थिति बनती है, और चित्र से चरित्र बनता है। जैसा चित्र आप अपना बनाओगे, अर्थात जैसा संकल्प करोगे चित्र बनेगा ही वैसा ना। जैसे एक बच्चा होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, वो बहुत डर रहा है, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो मम्मी क्या कहती है, ऐसे नहीं सोचो ना, आप ऐसे सोचो कि आप सब कुछ कर पा रहे हो, आपने पूरी तैयारी करी है। तो क्यों है, सोच को क्यों बदलने को कहते हैं, क्योंकि जैसी सोचोगी चित्र वैसे ही आएगा कि मैं कर पा रहा हूं, और वैसे ही फिर विशेषताएं हमारे अंदर आने लग जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये, चित्र से चरित्र बनता है। जैसा हम अपनी इमेज बनाएंगे, इसीलिए बाबा पांच स्वरूपों का अभ्यास क्यों कहते हैं, बाबा अभ्यास इसलिए कहते हैं, अपना चित्र देखो तुम क्या थे, पूरे 5000 साल के साइकिल में तुम्हारा चित्र क्या है, क्या क्या तुम्हारे स्वरूप हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। बाबा ने कभी भी द्वापर से लेके कलयुग तक हमें ये स्मृति नहीं दी, तुम भक्तात्मा हो, पांच स्वरूपों में नहीं दी है बाबा ने। बाबा ने क्या कहा, तुम पूजनीय पूर्वज आत्मा हो, ना पूजनीय आत्मा कहा, मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है, बाबा ने ये नहीं कहा तुम मंदिर में लाइन लगा के खड़े हो, खड़े तो थे ना, लेकिन बाबा ने हमारे जो पांच स्वरूप बताए उसमें कौन से सारे समर्थ स्वरूप बताए हमारे, कोई भी कमजोर स्वरूप नहीं बताया, क्योंकि बाबा जानते हैं इस लॉ को, बाबा ने ही बताया ये लॉ, चित्र से चरित्र बनता है, इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति में लेकर आओ। अब देखो बाबा की मुरलियां आप इस रूप से पढ़ोगे ना, बाबा बहुत सारे चित्र देते हैं। इस साल की 18 जनवरी की मुरली जो मॉर्निंग क्लास में पढ़ी गई थी, उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर विजन दिया था। क्या विजन दिया था मैं बताऊंगी तो याद आ जाएगा आपको, क्योंकि मुझे बहुत टच किया था वो विजन मुझे, और उसका मैं अभ्यास भी करती हूँ और बहुत अच्छी अनुभूति होती है। बाबा ने कहा था कि अपने आप को लाइट स्वरूप में देखो, लाइट और माइट, और उसके लिए एक विजन दिया था, मस्तक से लाइट निकल रही है, नैनो से लाइट निकल रही है, सिर पे लाइट का क्राउन है, और पूरे शरीर पे जो वस्त्र है, कोई आपको देखे तो उनको लगे लाइट के वस्त्रधारी हैं। बन रही है पिक्चर, बन रही है पिक्चर, बन रही है ना, कितना इजीली, मेरे नैनो से, मेरे नैन जो है ना, ये नैन नहीं है, जैसे लाइट हाउस है, ऐसे जैसे वो कार की हेडलाइट्स होती है ना, ऐसे विजुलाइज करना कि मेरी इन हेडलाइट से कैसी रूहानियत भरी, शक्ति भरी लाइट निकल रही है, महसूस हो रहा है, मेरे मस्तक से लाइट, मेरे सिर पे लाइट का क्राउन, बाबा ने रखा है जिम्मेदारी का ताज, पवित्रता का ताज, जिसकी चमक डे बाय डे बढ़ रही है, और मैं पूरा शरीर मेरा लाइट वस्त्रधारी, लाइट ही लाइट दिख रही है मुझसे,
हर एक को मुझसे साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा साक्षात्कार कब होगा, जब आपको अनुभव होगा कि मैं लाइट ही लाइट हूं। तो उसके लिए विजन क्रिएट करना, चित्र से चरित्र बनता है। मैं जैसा चित्र अपना देखूंगी खुद में, वैसा मुझे अनुभूति होगी। तो स्मृति और चित्र, मन और बुद्धि, बाबा कहते हैं इन दोनों नियमों को एक साथ जोड़कर जब अभ्यास करते हैं तो इसको बाबा कहते हैं योग का प्रयोग। मन के शुद्ध संकल्प और बुद्धि से उसको देखना, तो योग का हम प्रयोग करते हैं। बाबा ने योग सिखाया हमको, जो हम उसका प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक विजन बनाया, मैं बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा बाबा सूर्य के समान किरणें बाबा की, और सारी फोकस होकर लेजर लाइट की तरह मुझ आत्मा में ब्रिकुटी के मध्य में प्रवेश कर रही हूं, और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूं। बाबा की करंट मुझ मेरे अंदर समाती जा रही है और वो करंट मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही है। ये क्या है? मैं अपने शरीर को शक्तिशाली करने के लिए योग का प्रयोग कर रही हूं, राइट? अपनी बॉडी को हील करने के लिए बाबा की शक्तियां लेके, करंट लेके अपने एक एक अंग में प्रवाहित कर रही हूं। ये है योग का प्रयोग, राइट? अब दूसरी बात बाबा कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसी बात को अगर करते हैं, तो एक आपको विजन देती हूं, जैसे यही चीज, वैसे तो विजन आ चुका है लेकिन देखिए जरा कि बाबा से कैसे करंट आ रही है और मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं चार्ज हो रही हूं, कनेक्टेड हूं सिर्फ एक बाबा से। और अनुभव करें, से अभी अनुभव करें, सर्वशक्तिमान शिव बाबा, सूर्य की भांति तेज प्रकाश की किरणें एक लेजर लाइट के रूप में समाहित होकर मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं और बाबा, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप और शिव बाबा ज्ञान सूर्य, उनकी शक्तिशाली लेजर लाइट मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मुझ आत्मा से ये लाइट, ये माइट किरणों के रूप में मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। और मस्तिष्क से पूरे स्पाइनल कॉर्ड में, विभिन्न अंगों में, चेहरे से लेकर, अनुभव करें लाइट के रूप में मेरे चेहरे, गर्दन, कंधे, हाथ, चेस्ट, एब्डोमेन, पैर के अंगूठे तक ये शक्तिशाली एनर्जी फ्लो कर रही है। मेरा रोम रोम, बॉडी का हर एक सेल एक एक टिश्यू ऑर्गन सिस्टम्स, शरीर की खाली स्पेस, सब इस परमात्मा शक्ति से भरपूर हो गई है। और अब मेरे रोम रोम से ये शक्तियों की लाइट चारों ओर एक शक्तिशाली ऑरा बना रही है।
मैं परमात्मा शक्तियों के घेरे में हूं। सुरक्षित हूं। परमात्मा शक्ति के रहते और कोई शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। मैं अपनी शक्तियों को पूरे विश्व में फैलते हुए अनुभव कर रही हूं। ओम शांति। इस रूप से विजन बनाए कुछ भी, कैसे बाबा की किरणें तो हैं, लेकिन बाबा की किरणों से कैसे वो सारा एक लाइट में समाहित होकर मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। मैं कनेक्टेड हूं बाबा से बिल्कुल। इस रूप से अपने आप को विजन देना और महसूस करना, इसको बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करना। और दूसरी चीज होती है योग में इनका प्रयोग करना, योग में संकल्पों का प्रयोग करना, योग में पिक्चर्स का प्रयोग करना, जो बाबा हमें चित्र देते हैं, चित्र से चरित्र बनता है, उसको प्रयोग करना। तो उसके लिए तीन स्टेप्स हैं। पहला है योग के अंदर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एक विजन क्रिएट करना। जो भी हमारा संकल्प है, चाहे परम धाम का है, चाहे साकार जगत का है, सेवा के फील्ड का है, फरिश्ते स्वरूप का है, उसको विजुअलाइज, उसका चित्र क्लियर होना चाहिए। और चित्र क्लियर होने के लिए उसका ज्ञान क्लियर होना चाहिए, बाबा ने क्या बताया है इसके बारे में, ना वो क्लियर होना चाहिए। मैं एक मुरली पढ़ रही थी बाबा की, उसमें बाबा का था कि जैसे आत्मा के सात गुण हैं, एक एक गुण की अनुभूति में बैठो। सागर के तले में जाकर जैसे रतन मिलते हैं, एक एक की डेप्थ में जाओ। जैसे आनंद है, क्या है आनंद, क्या होता है आनंद, आनंद की अनुभूति कैसी होती है। बस ये कहना मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे आनंद नहीं आता। आनंद किसे कहते हैं, आनंद की फीलिंग क्या होती है, आनंद की फीलिंग से प्राप्तियां क्या होती हैं, इसको उसको जितना बाबा ने मुरली में कहा था, एक एक पॉइंट को लेकर ना उसके डेप्थ में जाऊं। अतिंद्रिय सुख क्या होता है, अब इसकी कोई डेफिनेशन की बात नहीं है, ये अनुभूतियां हैं ना। आप तो अनुभूति सेंटर से कनेक्टेड है, वैसे ही नाम भी इतना अच्छा है, तो हर बात की अनुभूति करना, राइट। तो सफल करना है हमें नाम को भी, साकार में भी अनुभव करना है, तो विजुअलाइजेशन बहुत पहला स्टेप है कि विजन क्रिएट होना चाहिए हमारा, उसके लिए ज्ञान के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए हमको। सेकेंड, अनुभूति रियलाइजेशन, जैसे अभी हमने किया, एक विजन बनाया, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा इस ब्रिकुटी में बैठी हूं, बाबा की करंट लेजर लाइट के रूप में आ रही है, विजन। अब उस अनुभूति में बैठना, उस करंट को अनुभव करना कि वो करंट मेरे अंदर आ रहा है, उस एनर्जी को अपने नेत्रों में, अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में, अपने शरीर में फ्लो होते हुए अनुभव करना, राइट। और वो कैसे होगा, एकाग्रता की शक्ति से होगा। जितना हमारा विजन क्लियर होगा, जितनी हमारी बुद्धि सिमटी हुई होगी बातों से, है ना, उतना उतना हम इस बात को अनुभव कर पाएंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। मान लीजिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि भटकती है। अब मैं योग करने बैठी और योग में मैंने सोचा, अच्छा ठीक है, बाबा से पॉइंट ऑफ लाइट बन के मुझे लाइट लेनी है। मैं विजन बना लिया, लाइट लेने लगी, हाँ बाबा लाइट और माइट है, लाइट और माइट मेरे अंदर आ रही है, और एकदम से मुझे याद आता है किचन की लाइट बंद करी थी, किचन का चित्र आ गया। अब किचन का चित्र आ गया, उसके साथ ही जैसे ही चित्र आया वो आपको और संकल्प देगा। मैंने ये काम किया था, अच्छा किचन में भी थोड़ी देर में ये करना है, वो और संकल्प, क्योंकि एक पिक्चर आ गई ना, अब उस पिक्चर से रिलेटेड संकल्प आएंगे। कई बार हम योग में बैठते हैं, अचानक से ऑफिस याद आ जाता है या घर की कोई बात, फिर उससे रिलेटेड कनेक्टेड
जो हमारा पूरा जाल है ना संकल्पों का, वो आता चला जाता है। इसलिए कहते हैं बुद्धि भटकती है, अर्थात चित्र दूसरा आ गया तो संकल्प ऑटोमेटिकली वहां अलाइन हो जाते हैं। तो वापस 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 अपने चित्र को लेकर आना। मैं जो चित्र सोच के बैठी हूँ वो चित्र होगा, क्योंकि बुद्धि को भटकने की आदत है। लेकिन एकाग्रता भी तो ऐसे ही लेकर आनी है ना हमको, कैसे लेकर आनी है? बार बार उस चित्र को लेकर आओ, बार बार उस चित्र को लेकर आओ कि मैंने क्या चित्र बनाया। बाबा इसीलिए तो कहते हैं ना ज्ञान का सिमरन लगातार करते रहो, क्योंकि ज्ञान के आधार से ही चित्र बनेगा। तो रियलाइजेशन, वो जब वो स्टेज बनेगी तो आप महसूस करेंगे, और फिर महसूस जब करेंगे तो एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। धीरे धीरे आप ऐसे बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसे सोचने से, विजुलाइज करने से हम कैसे बन जाएंगे? बाबा कहते हैं ना सदा याद की यात्रा में रहो, याद में रहते रहते मेरे पास पहुंच जाओगे। अर्थात वो स्थिति आपकी ऐसी बन जाएगी, आपके अंदर वो पवित्रता की धारणा होती चली जाएगी। तो भगवान उवाच है ना, विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन होगा। आज तो साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि हमारे संकल्प, जितना हम उन संकल्पों को इमोशनली, फिजिकली अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब बात मेन चीज ये है कि विजुलाइज क्या करेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन हमारा ज्ञान के आधार से होना चाहिए। अब संकल्पों, संकल्प जो आएंगे वही तो विजुलाइज करेंगे, लेकिन संकल्पों का सोर्स क्या होता है? संकल्पों का सोर्स होता है सबसे पहले सेंसरी इनपुट्स। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन सब चीजों से हमारे जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन फूड है हमारे मन का। अब पहले हम ये चेक करें, हम ब्राह्मण बने हैं, कितना समय हम इन आंखों से ज्ञान को के बारे में, ज्ञान के पॉइंट्स देखते हैं, कानों से ज्ञान के पॉइंट्स सुनते हैं। अब आंखों से ज्ञान के पॉइंट्स देखने का मतलब क्या होता है? आंखों से थोड़े ज्ञान के पॉइंट्स देखे जाते हैं, देखे जा सकते हैं। कैसे देखे जा सकते हैं? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। बाबा कई बार कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अब आप जो भी इन आंखों से देख रहे हो सब लौकिक ही देख रहे हो ना, लेकिन बाबा कहते हैं लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। तो कैसे करेंगे हम? क्या इनपुट लेंगे? कुछ भी कर्म करते हो बाबा ने उसकी विधियां बताई हैं, उसके अंदर नवीनता लेकर आए हम। कैसे नवीनता ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम पानी ही पी रहे हैं ना, पानी पी रहे हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। दादी जी भी हमेशा कहा करती थी, गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि बाबा की बताई हुई बात है कि बच्चे अगर आप याद करने का टाइम नहीं मिलता पानी तो पीते हो, खाना तो खाते हो, तो उस टाइम ही बाबा को याद करो। अब बाबा को कैसे याद करें? अगेन क्या यही देखते रहे बाबा से शक्ति आ रही है पानी में जा रही है, बाबा से शक्ति आ रही है? अब इसमें क्या नवीनता लेकर आए हम? ये तो ठीक है ही करना, लेकिन नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं कि ये तत्व है, जल तत्व है, ये तत्व मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, अपने आप में ही ये आत्मिक स्थिति बन जाती है। ये जल मैं पी रही हूँ, पानी मैं पी रही हूँ, शीतल पानी पी रही हूँ, इससे इस तत्व की पूर्ति से मेरे शरीर में शीतलता आ रही है। इसी तरह मैं आत्मा भी तो शीतल स्वरूप हूँ ना, मैं आत्मा भी तो शांत स्वरूप हूँ ना, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है? उस शीतलता को इमर्ज करें उस टाइम पर कि बाबा की मैं रूहानी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, और शांति से कनेक्टेड हम अपने संकल्पों को लाए। तो जैसे उससे मैच करते हुए हर टाइम यही नहीं कि किरणें जा रही हैं, लेकिन पानी पीते जाए और जैसे जैसे शीतलता का अनुभव होता जाए तो उसमें यह अनुभव करते जाए मैं आत्मा भी तो कितनी शांत स्वरूप हूँ, शीतल हूँ। पानी की विशेषताओं को याद करते जाइए तो वो विशेषताएं जैसे आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी। भोजन बनाते हैं, बाबा ने कहा मेरी याद में भोजन बनाओ। अब क्या सारा टाइम यही देखते रहे बाबा की किरणें आ रही हैं, मेरे हाथों से किरणें जा रही हैं? थोड़ा मोनोटनस हो जाता है। तो इसके अंदर नवीनता क्या लेकर आए? अब कोई भी हम बाबा के बच्चे तो बहुत साधारण रूप से मसाले जो होते हैं वही डालते हैं, चाहे आप यूएस में रहते हैं या भारत में रहते हैं, तो ब्राह्मण कल्चर फॉलो करते हैं। यूएस और भारतीय ये वाली बात तो है ही नहीं, जो बाबा को भोग लगता है वही हम खाते हैं। तो सिंपल भोजन कैसे बनाते हैं? घी डाला,
फिर उसके अंदर घी ऑयल जो भी आप डालते हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर जीरा डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक डाला, धनिया डाला, सब्जी डाली, पानी डाला, यही सब चीजें, थोड़ा बहुत मसालों का फर्क होगा, यही सब चीजें डलती है। तो डालते हुए लौकिक में भी अलौकिक कैसे देखें, मैं ऐसे ही कई बार मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं वही सब चीजें आपको बता रही हूँ, ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं है ये सब चीजें, लेकिन मैं, मेरे को अपने आप ही विजन बनते रहते हैं कुछ कुछ ऐसे, तो मैं अपने जो संकल्प लाती हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ कि मैं कई बार इस तरह से देखती हूँ। घी डाला तो बाबा कहते हैं ना ज्ञान घृत डलता रहना चाहिए, तो चलो जी सब्जी के अंदर ज्ञान घृत डाल दिया मैंने, बाबा का दिया हुआ ज्ञान जा रहा है इसके अंदर। फिर जीरा डाला तो जीरा चटकता है, तो ये है ज्ञान रत्नों से खेलना। जीरे के दाने अलग अलग होते हैं ना, माताएं तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकती हैं। तो जैसे ज्ञान रत्नों से हम खेल रहे हैं, वो मैंने डाल दिए इस। अब सोचिए, वैसे भी आयुर्वेद में भी बताते हैं कि भारतीय जो भोजन बनता है, जो प्रणाली है भोजन बनाने की, इसमें ये सब चीजों का फायदे होते हैं, जीरा हल्दी इन सब की कुछ अपने आयुर्वेद के हिसाब से भी इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं, तो हीलिंग पावर्स होती है। तो उस रूप से अब ये 5-6 मसाले मैंने डाले इस रेसिपी के अंदर, मैं अपने गुणों की विशेषताएं भी डाल सकती हूँ ना, जैसे ज्ञान का पॉइंट मैंने डाल दिया, अब उसके बाद मैंने हल्दी डाली है ना, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, चलो मैंने इसके अंदर खुशी भी डाल दी, येलो कलर किसका है, रंगों के रूप से भी देख सकते हैं। मिर्ची डाली मैंने, लाल मिर्च डाली, तो मैंने शक्ति भी डाल दी बाबा की इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि शक्ति बहुत जरूरी है सब काम करने के लिए, तो आत्माओं में शक्ति भी जा रही है। फिर उसके बाद मैंने नमक डाला, तो नमक चलो सफेद रंग को हम पवित्रता की निशानी माने कि मैंने इसमें पवित्रता भी डाल दी। मैं इसको कई बार इसमें भी नवीनता लेकर आती हूँ, क्या नवीनता लाती हूँ कि नमक के बिना जैसे कोई स्वाद में कोई मसाला कोई काम कर, है ना, नमक नहीं तो कोई मसाला नहीं बोलता, कि कई बार कहते हैं नमक थोड़ा और डाल दो बस सारे मसाले ठीक हो जाएंगे इसमें। तो इसी तरीके से पवित्रता अगर ब्राह्मण जीवन में नहीं तो बाकी और कुछ भी नहीं, तो बाकी जितनी भी धारणाएं हैं फिर वो कोई उनका मतलब नहीं है अगर पवित्रता ही जीवन में नहीं है तो, ठीक है, हम रोज मुरली सुन रहे हैं लेकिन प्योरिटी नहीं है हमारे जीवन में। तो उस रूप से भी कई बार मैं देखती हूँ, कहते देखो ना बाबा नमक की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही हमारे जीवन में पवित्रता की इंपॉर्टेंस है। ये ज्ञान मंथन करते हुए जैसे नवीनता लेकर आना, तो एक तो बुद्धि व्यर्थ से बचेगी, क्योंकि माताओं को जैसे भोजन बनाने में, ड्राइविंग करने में, इन सब चीजों में ना हमें कोई स्थूल उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना, स्थूल काम चलता रहता है, सूक्ष्म की जरूरत नहीं पड़ती, बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती भी, नो क्या मसाले डालना है, कितना डालना है, यूज्ड टू है। ऐसी ड्राइविंग करते हुए हमें नहीं ज्यादा सोचना पड़ता, अगर रोज का रूटीन है, गाड़ी अपने आप चलती रहती है, अपने आप काम चलता रहता है, तो बुद्धि फ्री हो जाती है। बुद्धि फ्री होती है तो फिर कहीं ना कहीं फालतू की व्यर्थ की बात माया ले आती है। तो इस रूप से लौकिक पे देखते हुए भी, गाड़ी चला रहे, अच्छा मसालों की बात कर रहे, धनिया हाँ प्रेम डाल रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके बाबा चलो पैक कर दिया कुकर मैंने, सारी गुण शक्तियां इसके अंदर आज डाल दिए, आज तो बस आत्माओं का भाग्य है बाबा की याद में इतना अच्छा भोजन बना। आटा लगा रहे हैं तो सोचे जैसे बिखरा हुआ आटा होता है उसको गूंद देते हैं, तो देखिए बिखरे हुए विश्व को बाबा देखो हम गूंद के एक मत एक श्रीमत पर चलकर सबको एक परिवार बना के ही रहेंगे, मलते जाएं उसको, मलते जाएं और करते जाएं कि हाँ इसमें बाबा की शक्ति जाती जा रही है, एक बना दिया हमने। अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, क्या बात है बाबा, बाबा ने आज के गीत में कहा ना तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया, वो ही याद कर लीजिए, क्या बात है बाबा स्वर्ग में हमारी सड़कें कैसी होंगी, क्या होगा हमारा, सड़कों पे तो चलेंगे ही नहीं हम, तो हवा में चलेंगे, वहां पे कोई ट्रैफिक ही नहीं होगा, ना सड़क पे ट्रैफिक, ना आसमान में ट्रैफिक, जमीन भी हमारी आसमान भी हमारा। ये है लौकिक में अलौकिकता को देखना हर रूप से। ट्रैफिक भी है तो हाई है, ट्रैफिक क्यों है, क्या कलयुग है, उसमें भी अलौकिकता देखे, मेरा राज्य जब होगा तो कैसा होगा, वहां कोई ट्रैफिक नहीं होगा, वहां कोई हॉर्न नहीं बजेंगे, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये बाबा जो कहते हैं ना सिर्फ शांति धाम को ही नहीं याद करो, एक आंख में शांति धाम हो तो दूसरे आंख में ना अपना वर्षा भी याद रखना चाहिए। तो वर्षा किस रूप से याद रखेंगे, बाहर गंदगी बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, हमारा स्वर कैसा होगा। तो ये सेंसरी इनपुट्स आपका सारा टाइम देखेंगे लोगों की गंदगी, पॉल्यूशन में ही रहेंगे, ट्रैफिक में रहेंगे, तो क्या जाएगा, टेंशन ही तो होगा ना। आप ट्रैफिक को देखकर भी क्या सोचोगे, ये बाबा ने हमें युक्तियां बताई हैं, ये नवीन, ये भी योग स्थिति है जब हम बाबा के ज्ञान को याद करते हैं, ये है चलते फिरते योग में रहना।
चलते फिरते बाबा को अनुभव करना, मैं तो कई बार इसी रूप से करती हूँ। ब्रेक है, क्लच है, एक्सेलरेटर है। बाबा ये ब्रेक, बुद्धि रूपी ब्रेक आपने दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये ब्रेक ना हो तो मैं गाड़ी को स्पीड में कैसे ले जा सकती हूँ? कोई भी गाड़ी स्पीड पे तभी चला पाता है जब उसको कॉन्फिडेंस हो ब्रेक लग जाएगा टाइम पर। हाँ, तो मैं उस रूप से भी ज्ञान को मंथन करें। ये एक्सेलरेटर तो मन तो एक्सेलरेट हो जाता है, कोई भी संकल्प चालू हो जाता है तो चालू ही हो जाता है बाबा। बुद्धि रूपी ब्रेक आपने बहुत अच्छी दी है, और ये संकल्प रूपी जो क्लच दिया ना, ये तो बहुत ही जरूरी है। इस क्लच के बिना तो कुछ होना नहीं है, ब्रेक भी नहीं लगना है। ऐसे ऐसे बाबा आप मेरा गियर हो। हाँ, मेरा गियर कहाँ पर मेरे को मूव करना है, कौन से में डालना है, आप मेरा स्टीयरिंग व्हील हो, आप मेरा GPS हो। हर चीज में बाबा को ला सकते हैं, कहाँ नहीं ला सकते हैं बाबा को, है ना। तो उस रूप से ये, और ये ना एक आदत पड़ जाती है आपको, हर चीज में बात ही ज्ञान की आएगी। और फिर आपका ये हम मन मन में ही रखें, ज्यादा हम बोलते भी है ना, तो कई फिर हमारे आसपास वाले कहते क्या है आपको, सारा टाइम बाबा ही बाबा दिखता है आपको, आपको अपने ज्ञान की बात ही दिखती है। वो भले परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम तो इसी वजह से तो हमारे टाइम हमारे अंदर सारा टाइम बाबा की याद रहती है, बाबा की शक्ति रहती है ना। जरूर है बैठकर भी हम योग करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये इस रूप से भी क्या मुझे टेस्ट करना है, क्या मुझे देखना है। देखते हुए भी बाबा कहते, देखते हुए भी ना देखो, सुनते भी ना सुनो। सुन रहे हैं कुछ, लेकिन उस टाइम भी बुद्धि में क्या चलना चाहिए। देख रहे हैं, लेकिन देखते टाइम भी मुझे अंदर क्या लेना है, यही तो मालिक बनाया ना बाबा ने, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो सेंसरी इनपुट्स। फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं, हम उनके संकल्प जो हमारे क्रिएट होते हैं वो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम्स। अब बाबा आकर हमारे बिलीफ सिस्टम्स ही तो चेंज करते हैं। हम समझते थे हम कमजोर हैं, हम साधारण हैं, या कई बार अपने पोजीशन का बहुत मान था, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो बाबा सारी ही चीजों को परिवर्तन करते हैं, पहले ये बता के कि तुम ये देह नहीं हो, तुम देही हो, आत्मा हो, और उसके आधार से तुम्हारी शक्तियां और गुण है। तो अभी हम चेक करें क्या हमारे अंदर कोई पुराने बिलीफ सिस्टम्स रह गए, नहीं तो संकल्प उसी आधार से आएंगे। कमजोरी के बिलीफ सिस्टम्स हो गए, या कोई और प्रकार के जो भी हमारे रावण के बिलीफ सिस्टम्स थे कलयुगी दुनिया के। फिर पास्ट मेमोरीज हमने साफ करी है या नहीं करी है, या उसके कारण नेगेटिव व्यर्थ अभी भी आता रहता है, तो ये सब आएगा ना, ये किचड़ा होगा, तो ये हेल्प मतलब रुकावट डालेगा। बाबा जो कहते हैं अभी भी बच्चों में से व्यर्थ नहीं गया है, तो कितनी युक्तियां बाबा बताते हैं व्यर्थ के लिए भी। कल मैं एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने इतना मतलब पावरफुल बात कही। 74 की मुरली है, 11 जुलाई 74, सभी को पढ़नी चाहिए, सब ब्राह्मणों को ये मुरली पढ़नी चाहिए, हो सकता आपने पढ़ी भी हो। तो बाबा उसमें बताते हैं कि बच्चे अमृत वेला से लेकर शाम तक कितनी क्यू में लगते हैं। बहुत सुंदर मुरली है, और बाबा ने उसका सोल्यूशन भी बताया। ऐसा लग रहा था वाकई हम ही जैसे यही सब बातें तो करते हैं। बाकी ये जरूर मैंने अनुभव कर रही थी कि जब से हम ज्ञान में आए हैं कौन कौन सी क्यू छोड़ दी है हमने, थे हम भी क्यू में लेकिन कौन कौन सी क्यू छोड़ दी है। तो बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे थे, व्यर्थ के संकल्प आते हैं तो ये बच्चों की कंप्लेंट रहती है। बाबा व्यर्थ बहुत आता है, रहती है ना कंप्लेंट बाबा से जब रू रिहान करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम दिया है, खुद को ही नहीं बदलना, विश्व को परिवर्तन करना है तुम्हें। ज्ञान, तीन बातें कही बाबा ने उसके अंदर, ज्ञान के पॉइंट सिमरन करने, उसमें बुद्धि को बिजी रखना है, योग से अपने विकर्म विनाश करने, उसको उसमें बुद्धि मतलब बुद्धि लगानी है, समय लगाना है, और तीसरा विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं हो गया क्या काम पूरा, जो तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है, मतलब बहुत ही आई ओपनिंग मुरली है बाबा की, जो तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि तुम व्यर्थ के लिए भी टाइम निकाल लेते हो। तो या तो अपना टाइम टेबल सेट नहीं करना आता, या अपना कर्तव्य ही नहीं पता मुझे क्या करना है, सारा काम हो लिया क्या आपको, जो स्थापना में करना था हो गया क्या आपका काम। तो जैसे ना बाबा कान पकड़ रहे थे बिल्कुल, कैसे आता है व्यर्थ, जब व्यर्थ आए तो ये तीन चीजें निकालो, ज्ञान के पॉइंट्स सिमरन करने में बुद्धि को बिजी रखो। तो इसलिए बाबा कहते व्यर्थ से छुट्टी करने के तरीके तो बाबा ने बहुत बताए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमको करनी है, है ना। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट के साथ साथ अब बाबा हमें रचनात्मक शक्ति देते हैं, हमारे मन की पावर हमको बताते हैं कि तुम्हारे मन में, दुनिया में भी जो कुछ होता है वो दो बार होता है, एक मन में होता है फिर बाहर होता है।
लेकिन बाबा कहते हैं अब छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें तुम्हें रचना करनी है, तुम्हें अपना भाग्य भी बनाना है और विश्व की आत्माओं का भाग्य भी बनाना है, नया विश्व भी निर्माण करना है। तो ये क्रिएटिविटी बाबा हमको देते हैं, नए नए प्लान्स बनाओ, नए नए विजन्स बनाओ, अपनी नई दुनिया को हमेशा सामने रखो, पुराने को देखते भी ना देखो, किसी के प्रभाव में नहीं आओ। इसके लिए बाबा हमको कई सुंदर बातें बताते हैं क्रिएटिविटी की, जिसमें अगेन मैं कहूंगी कि हम लौकिक में जो या बाबा ज्ञान में जो हमें पॉइंट्स बताते हैं, बाबा कहते हैं तुम रूहानी गुलाब हो, है ना। अब मैं कुछ आपको विजन्स दूंगी उसके लिए और उसका अनुभव करेंगे हम बैठ के। बाबा कहते हैं तुम रूहानी गुलाब हो, अब सुन लिया, आज हमारा टाइटल है रूहानी गुलाब, लेकिन इसको अनुभव में तो लेकर आए ना, हम रूहानी गुलाब कैसे है? तो अभी थोड़ी देर अनुभव करते हैं। पहले कोई भी चीज को अनुभव करना उसका ज्ञान पूरा होना चाहिए। गुलाब का पौधा जो होता है उसमें खाद गोबर की डालते हैं, है ना, लेकिन गुलाब खुशबू देता है, गुलाब में बड़े बड़े कांटे होते हैं और जितना सुंदर बड़ा गुलाब होता है ना, कांटे भी मैंने देखा उन पौधों के, बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब उन कांटों के ऊपर होता है। फिर गुलाब की अपनी खुशबू होती है और खिला हुआ गुलाब ना, जैसे किसी का चेहरा भी बड़ा खुशी वाला होता है तो कहते गुलाब की तरह चेहरा खिला हुआ। तो बाबा कहते मेरे रूहे गुलाब बच्चे। अब रूहे गुलाब बनने के लिए मेरे अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे विजुलाइज करना है, मुझे रियलाइज करना है, तभी तो एक्चुअलाइज होगा ना, तभी तो वो मेरे अंदर आएगी, वो गुण विशेषता है। तो बाबा ने जो मुझे ज्ञान का पॉइंट बताया उससे मुझे योग में एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अभी करे रूहे गुलाब बने, इसके लिए विजन तो बना लिया हमने, मैं गुलाब हूं, अब चलिए उसकी रियलाइजेशन में चलते हैं। क्या क्या मेरे संकल्प हो उसके लिए और क्या क्या पिक्चर हो। ओम शांति। मन बुद्धि पर एक सुंदर से खिले हुए गुलाब का चित्र लाए, खुशबूदार गुलाब। बाबा मुझे इस रूप से देखते हैं, मेरी खुशबू मेरे आसपास ही नहीं, दूर दूर तक वातावरण को महका देती है। भले ही मैं कांटों से घिरी हुई हूं, लेकिन किसी भी कांटे का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा चेहरा सदा रूहानी नशे की झलक में, परमात्मा प्राप्तियों के नशे में खिला हुआ रहता है। परमात्मा से प्राप्त गुणों विशेषताओं की खुशबू मुझसे निरंतर और आत्माओं को अनुभव होती है। सहयोग के रूप में मैं शांति शक्ति की किरणें स्वयं से औरों को देती हूं। मेरी खुशबू और आत्माओं को मेरे करीब लेकर आती है और मैं उनको बाबा से जोड़ती हूं। मेरे अंदर बहुत विशेषताएं हैं, चाहे मेरे आसपास गोबर ही भले हो, कोई मुझे कड़वी बात कहता हो, लेकिन मैं उसमें से भी गुणों को चुन कर लेती हूं और खुशबू में परिवर्तित कर देती हूं। मेरे अंदर सहन करने की समाने की शक्ति है और मुझसे ही तो गुलाब जल भी बनता है, गुलकंद भी बनता है, मेरे सूखे पत्ते भी काम आते हैं। इसी रूप से मैं बाबा के हर कर्तव्य में, हर सेवा में फिट हूं, हर कर्तव्य में सहयोगी हूं।
मैं बाबा के गले का हार हूं, मैं गुलाब का फूल, रूहे गुलाब, बाबा को बहुत पसंद हूं। ओम शांति। तो हमने अपने अंदर कुछ गुणों और शक्तियों को अनुभव किया उसके आधार से, तो इसके लिए कोई हमें, ये सिर्फ जो बाबा हमें कहता है, मान लीजिए बाबा हमको कहता है कमल पुष्प समान जीवन हो आपका, तो ज्ञान तो लिया, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट करें या काम काज करते भी इसके ऊपर थोड़ा सोचे, कमल पुष्प की क्या विशेषता है, क्यों भगवान पर चढ़ता है कमल पुष्प, है ना, क्योंकि कीचड़ में खिलकर भी डिटैच्ड है। तो मैं भी अपने सर्व संबंधों में रहते हुए भी बिल्कुल डिटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरा मुख बाबा की तरफ है, पवित्रता मेरा श्रृंगार है। ऐसे ऐसे संकल्पों को सिर्फ रचे नहीं, उसको रियलाइज करें, मैं हूं ऐसी ना। तो जितना रियलाइज करते जाएंगे, वो गुण, वो शक्तियां, वो क्वालिटीज, वो विशेषताओं से हम भरपूर होते जाएंगे, वो एक्चुअलाइज होता चला जाएगा। बाबा कहते तुम अगरबत्ती हो, एक अगरबत्ती भी तुम्हारी जो रचना है वो वातावरण को चेंज कर देती है, तो हम कैसे किसी के प्रभाव में आ सकते हैं। बन जाइए थोड़ी देर के लिए अगरबत्ती, बन जाइए, इसके लिए कोई हमें कॉमेंट्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी चित्र की जरूरत नहीं है, किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है, है ना। ये चित्र अपने आप से बनेगा ना? मैं चित्र आपको भी दिखा भी देती हूँ, किसी चित्र की अगर अनुभूति भी लगे, मान लीजिए आपको अग्नि महसूस करनी है, है ना, तो ऐसा अनुभव करें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और जैसे अगरबत्ती से वो उसका जो खुशबू है जैसे फैलती है, ऐसे मुझसे वो खुशबू जो है तरंगों के रूप में फैल रही है, और इसको इस रूप से देखें ऐसे जा रही है, उसको रियलाइज करें, आगे देखते देखते उसको रियलाइज करें, कैसे वो मेरे अंदर से वो खुशबू, मेरे शांति की खुशबू, रूहानी प्रेम की खुशबू फैलती जा रही है, फैलती जा रही, सारे वातावरण को परिवर्तित कर दिया। जैसे वो अगरबत्ती की खुशबू एक एक की नाक में जैसे पहुंचती है, उसको वो खुशबू अनुभव होती है ना, ऐसे ही मुझसे जो शांति की खुशबू निकल रही है, रूहानी प्रेम की खुशबू निकल रही है, वो आत्माओं की बुद्धि को टच कर रही है, वो महसूस कर पा रही है उस शांति को, मैं सहयोग दे रही हूं अपनी इन तरंगों से। बस अगर एक मिनट भी हम ऐसी स्थिति में बैठ जाए, तो हमने क्या किया, हमने शांति की शक्ति को अपने अंदर जमा किया, जिसको बाबा कहते हैं ना शक्तियों को जमा करना। हम उस स्थिति में बैठे, हमने खर्च नहीं करी अपनी शक्ति, हमने अपने अंदर वो जमा करा, और जमा करने के साथ साथ हमने उसको आसपास प्रवाहित भी किया। तो इस रूप से बाबा कहते हैं, बाबा के ज्ञान के मूल्यों के पॉइंट्स से ही पॉइंट्स निकालें। बाबा जो कहता है, बाबा हमको महावीर कहता है, महावीर ने क्या किया था, महावीर ने सागर एक छलांग में पार कर लिया था, तो हम कौन सा सागर पार करते हैं। महावीर ने एक हाथ में पहाड़ उठा लिया था, हम भी तो संजीवनी बूटी लेकर घूमते हैं ना, बाबा कहते हैं ना जो बेहोश हो गए हैं उनको संजीवनी बूटी तुम ही दे सकते हो ना। तो उस अनुभूति में थोड़ी देर बैठ जाओ, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, और वो अगर आप 2 मिनट उसको फील कर पाओगे, उसकी फीलिंग, जैसे कहना चाहिए उसकी खुशबू आपके साथ बहुत देर तक रहेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत देर तक रहेगा। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, टेक्निक्स हैं, जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। पानी पीते हुए मैंने बताया, भोजन बनाते, भोजन खाते, या ये जो इस रूप से, चाहे रूहानी गुलाब है या अगरबत्ती है, बाबा जो भी कहते हैं छोटी छोटी चीजों में, या गाड़ी चलाते, कर्म करते, हम ये सब टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, तो निरंतर बाबा की याद रहेगी नहीं रहेगी। और सर्व संबंध तो बहुत ही इजी है, जितना जितना, जैसे मैं ये कहती हूँ, बाबा जो भी हमें स्थूल का एग्जाम्पल देता है ना, उसको स्थूल में जाकर उसकी क्वालिटीज को निकालिए, क्या क्वालिटी है, और उसी क्वालिटी को अपने अंदर महसूस करें। तो इतने सारे पॉइंट्स जिसको बाबा कहते हैं गहराई में जाओ और रतन लेकर आओ, तो आपको बड़ी बड़ी प्रकार की सुंदर सुंदर रूप से टचिंग्स होंगी, वो ब्यूटी आपको ज्ञान की महसूस होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। आज मतलब मेरे को ये क्लास करानी थी,
तो मेरे को सुबह अमृत वेला बाबा के साथ जब बैठी, बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर अनुभव कराए। ये अगरबत्ती वाला अनुभव बाबा ने मुझे तभी कराया था, बड़ा मजा आया। मैं करे वाह बाबा, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं सिर्फ एक कमरे को नहीं महका रही हूँ, पूरे विश्व में मुझे अगरबत्ती का असर हो रहा है। कितनी अच्छी रूहानी सेवा हो गई। तो बाबा के पास जब हम एक एक पॉइंट के लिए ऐसे बैठते हैं ना, बहुत मजा आता है, राइट? तो ये सब कुछ चीजें थी, बातें तो बहुत सारी है। बाबा ने हमें तरीके बताए, सोमान की सीटों पे बैठने की बात कही है, कोई भी एक सोमान ले लीजिए, ये भी सोमान है, रूहे गुलाब है हम, है ना, या श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। बाबा ने इसके लिए एक मुरली चलाई थी 1970 की, 31 दिसंबर, वो भी हर एक को पढ़नी चाहिए, जरूर आपने पढ़ी होगी। 31 दिसंबर 1970 की मुरली है, अमृत वेला से लेके परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। उसमें बाबा ने एक एक पॉइंट बताया है, सुबह उठते ही क्या संकल्प, क्या अनुभूति होनी चाहिए, फिर बाबा के साथ सर्व संबंध क्या प्राप्तियां, फिर नहाते टाइम, तैयार होते टाइम आपको किस संकल्प में रहना है, क्या विजन क्रिएट करना है, फिर मुरली क्लास में जाओ तो क्या विजन क्रिएट करना है, क्या संकल्प, क्या अनुभूति होनी चाहिए। निरंतर बाबा ने कुछ भी कर्म करते, फिर बिजनेस करते हुए, किचन में काम करते हुए, संबंधों में आते हुए, पदार्थों को यूज करते हुए, और रात को सोने तक, एक एक चीज की बाबा ने हमको शिक्षा दी हुई है। तो जितना हम ज्ञान को लेते जाएंगे, उसका मंथन करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे, हमें बहुत सारे रत्न मिलेंगे, और उनको एक्सपेरिमेंट करना मन की प्रयोगशाला में, यही योग है, यही योग है। और एक और बात, मैंने ज्यादा उस बात को टच नहीं किया आज के उसमें, कि जब हम बाबा से बैठकर योग लगाते हैं, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि सारे दिन की आपकी जो स्थिति है, रात को सोने टाइम जो आपकी स्थिति है, या जिस विधि से आप सोते हैं, उन सब का असर अगले दिन के अमृत वेला पे पड़ता है। अगर सारा दिन इस तरीके से योगस्थ स्थिति होगी ना, ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन होगा, और रात को विधि से हम सोएंगे, सारे फोल्डर्स को बंद करके, ये नहीं कुछ भी सोचते, टीवी देखते, ऐसे करते सो गए, नहीं, जो विधि बाबा ने बताई है, बाबा को चार्ट देखे, बाबा को बात बता के हल्के होकर, अगले दिन की थोड़ी सी रूपरेखा समझ के, बाबा कल हमने अमृत वेला ये करना है, ऐसे करके जब हम आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को पार्क करके आत्मा में बाबा की गोद में जाऊंगी, फिर बाबा ने बताया है रात को परमधाम में जाके सोए तो सुबह भी परमधाम से अवतरित आत्मा हूं मैं तो अवतरित आत्मा हूँ। अवतरित आत्मा का पर्पज होता है, ऐसे ही नहीं आती है, वो खाने पीने नहीं आती है, उस अवतरित होके पर्पज है। तो बाबा कहते हैं कि इस रूप से जब आप करोगे तो अमृत वेला भी आपका पावरफुल होगा। केवल कोई बहुत अच्छा योग कराने वाला हो, बहुत अच्छी कमेंट्री सुनाने वाला हो, कोई दृष्टि देने वाला हो, तो ही योग लगे। डेफिनेटली इन सबका हमें सहयोग मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली तो साधनों से पार जाना है ना, तो उसके लिए ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम दिन में करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने मन बुद्धि के राजा भी बनेंगे, और इन मन बुद्धि को यूज करके योग में भी इनका प्रयोग करेंगे, और योग का प्रयोग भी बहुत सुंदर रूप से हम कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मन बुद्धि में चले, और मैं कहूंगी कि जो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल मैं खुद भी करती हूँ, वो आपके साथ आज की क्लास में शेयर किया। मैं एक बात दीदी और शेयर करना चाहूंगी हाँ, क्विकली, जरूर जरूर। क्योंकि ये रीसेंट अनुभूति थी इस वजह से, और आप में से भी बहुतों के साथ बहुत कुछ हुआ होगा, ब्राह्मणों के साथ भी कोविड के टाइम पर बहुत कुछ हुआ ही है, तो हमारे साथ भी सेकेंड वेव में हम सबको कोविड हुआ, और उसमें खास मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, घर पे ही उनकी ऑक्सीजन 63 पहुंच गई थी आपको। लेकिन मैं बताऊं, बाबा ने एक तो ये मैं कहूंगी, ये जो हमारी 12 साल की जर्नी रही बाबा के साथ, और जो डिफरेंट संबंध हर समय जो बाबा के साथ, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, वो जो अनुभव रहे, उसका फायदा हमें ये हुआ कि एक पल भी, जब तक वो घर में रहे, 10 दिन तो घर में रहे, एक पल भी मुझे नेगेटिविटी नहीं आई कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ रही है, या उनको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, या इसका क्या इफेक्ट होगा। उसका कारण क्या था मैं बताती हूँ, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी ज्यादा, क्योंकि मैं सेवा में और घर के काम में इतना बिजी रहती थी कि मेरे को ज्यादा पता ही नहीं था, जो बाबा कहते हैं ना संसार समाचार, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर इतने लोग मर रहे हैं, या इतनी शॉर्टेज चल रही है, या इतनी प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत सुनते थे तो सोचते थे ठीक है, सकाश तो सबको, सकाश दो, हमारे साथ थोड़ी कुछ हो रहा है, सकाश दो सबको। मतलब ये नहीं था कि हम अपने लिए इंतजाम करें,
कि अपने लिए क्या करना है हमको, ये तो बस विश्व की आत्माओं को साकाश देने का टाइम है, हम ब्राह्मणों का काम है वो करो, तो हम वो ही करते थे। और फिर अपने को जब कोविड हुआ तब भी कोई संकल्प नहीं आया, तब भी यही आया कि ये इसलिए आया है इतनों की क्लासेस लेते हो, अनुभव सुनाना है ना, तो पता तो होना चाहिए ना कोविड में क्या होता है, ठीक है अनुभव ही बनाने के लिए और एक पेपर पास हो जाएगा और क्या। कोई संकल्प नहीं आया, यहाँ तक कि जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, 7:30 बजे हम लेकर गए शाम को, 6:30 बजे मैंने मुरली पूरी करी है यहाँ पर, मेरे को खुद भी कोविड था तो भी सेवा में क्लास चल रही थी उस टाइम, क्योंकि बहनों को भी सेंटर पे हो रहा था, मेरे पास कोई और रिसोर्स भी नहीं था मैं जिससे करा सकूं, और एक दिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो क्लास कराई, कमरे में जाके देखा हस्बैंड की तबीयत काफी खराब हो रही थी, फिर चेक किया तो इतना डाउन। एनीवे जब लेकर गए वहां पर हॉस्पिटल गए, आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, मुझे एक बार संकल्प नहीं आया हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है, आया ही नहीं, यही लगा अब इसमें भी कुछ सेवा होगी। और मैं आपको बताऊं वहां पहुंचे, हस्बैंड को तो डॉक्टर्स ने देखना शुरू किया और मेरा ध्यान कहां था, क्योंकि वहां डेथ होके चुकी थी और इतनी बुरी तरह मातम मनाया जा रहा था, दीवारों से सिर्फ पीट पीट के पीट पीट के, उनके 5 बच्चे थे और 5ों बच्चों ने बुरा हाल कर रखा था और मेरी स्थिति नहीं बिगड़ी। मैंने कहा ओ बाबा आपने मुझे इसलिए भेजा है यहाँ हॉस्पिटल में कि इन सब की सेवा करनी है, इन सबको साकाश देना है, आया ही नहीं कि अपने साथ भी कुछ हो सकता है या ये सब चीजें, मतलब देखकर कोई डर नहीं लगा और यही लगा कि मुझे बैठ के बस इनको साकाश देना है, इसीलिए निमित बनाया है मेरे हस्बैंड को कि वो अंदर देंगे आईसीयू के अंदर, मतलब वो वार्ड में देंगे, मैं यहां से साकाश दूंगी। बाकी डिटेल्स तो बाद में पता लगे कि हाउ सीरियस ही वॉज एट दैट टाइम। तो भी थ्रू आउट द जर्नी मैं कहती हूँ मेरे अंदर ढोल बजता रहा, क्योंकि मैंने पहले दिन जब हॉस्पिटल में देकर सौंप आई बाबा को, मुझे तो था मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से, डॉक्टर्स ने कहा आपको तो घर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रुक सकती आप। अच्छा रात को 1 बजे वापस आई, कैसे बाबा को आते ही लेटर लिखा, बाबा उस देहधारी से मेरा कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ आपका बच्चा है, मैं आपकी बच्ची हूँ, पहले भी ये घर आपका था आज भी आपका है, मैं आपकी हूँ वो आपका है, ड्रामा में सीन क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन किसी भी सीन में ना वो फेल हो ना मैं फेल, बस एक ही संकल्प बाबा को ये दिया। और मैं जैसे मैंने कहा बाबा मैं अपनी बुद्धि अब हटा रही हूँ वहां से, हॉस्पिटल में जितनी आत्माएं हैं, जितनी हॉस्पिटल्स में आत्माएं, बस सबके लिए साकाश, कभी अलग से उस आत्मा को नहीं दिया, बाबा के बच्चे सारे हैं उसमें, उसको भी जा रहा है। और मैं आपको बताऊं इतनी बाबा की मदद मिली, इतनी कमाल की मदद मिली मेरे को हर चीज में, जब डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मुझे इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स आई वॉज इन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सप्लाई वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम लोगों को ये था कि सब घबरा गए थे कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, मुझे मिली जबकि कोई हमारी जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, ये कहते एक बल एक भरोसा, मुझे बाबा ने दिखाया हर चीज, प्लाज्मा जिसके लिए 24 घंटे लग रहे थे हमें आधे घंटे में प्लाज्मा मिला। चाहे सिचुएशन मेरे हस्बैंड की डिटेरियोरेट होती गई, एक हफ्ता बहुत खराब होती चली गई, यहाँ तक कि वेंटिलेटर पर ले जाने की भी नौबत आ गई, तो भी डॉक्टर ने जब मुझे फोन किया कि उनको वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं, आई वॉज साइलेंट, तो आप समझते हो क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, आई वॉज लाइक जैसे कहते हैं ना मुख का मौन और मन का मौन, उस टाइम बस ये स्थिति थी, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मैं अपने मन में कहा मुझे जानना ही नहीं है, इस डॉक्टर को समझ नहीं है कुछ भी, क्या बोल रहा है इसको पता ही नहीं है, तो जस्ट जैसे कहते हैं ना सुनते नहीं सुनना, अंदर घुसाना ही नहीं क्या हो रहा है, और ये स्टेज मुझे नहीं पता बाबा ने कैसे दी क्या किया, बट मैंने ये देखा डॉक्टर ने मुझे बाद में भी जब मैं मिलने गई अगले दिन तब भी कहा आपको मालूम है क्या हो सकता है, डॉक्टर साहब मुझे नहीं जानना, सब अच्छा ही होगा, जो का सब अच्छा ही होगा। और ये बात डॉक्टर को इतनी बात लगी, बाद में तो खैर वो ठीक हुए, मेरे से कई बीकेज ने भी कहा कि अदिति बहन बाबा से लड़ो, कि बाबा ऐसा नहीं कर सकता, आप इतनी सेवा करते हो बाबा ऐसा नहीं कर सकता, उनका बाबा थोड़ी ऐसा कर रहा है, बाबा थोड़ी ऐसा कर रहा है, ये तो हमारे कार्मिक अकाउंट है जो सामने आ रहे हैं, लेकिन बाबा जो कर रहा है वो तो मैं कितने जन्मों में भी उसका कर्जा नहीं उतार सकती, जो बाबा कर रहा है, जो बाबा मुझे मेरे अंदर ना कि गीत बजता रहता था
तू डाल डाल मैं पात पात। हर सिचुएशन ऐसी आती थी, हर फोन कुछ ऐसी न्यूज लाता था, हर बात कुछ ऐसी चीज लाती थी, और उसी टाइम बाबा की मदद। तो मुझे ऐसा लगता था कि माया अगर डाल डाल पे है तो मेरा बाबा पात पात पे है, हर समय महसूस होता था। सिर्फ एक बार लड़ी थी बाबा से, किस बात पे, जब डॉक्टर्स का आ गया कि घर का खाना नहीं देंगे, और हम इसीलिए इतना परहेज करते थे, बीमारी से नहीं डरते थे, हमारे परहेज टूट जाएंगे, हॉस्पिटल का खाना पड़ेगा इसलिए बीमार नहीं होना हमको, तो इसलिए ध्यान रखते थे। मैंने कहा, उस दिन मैं लड़ी बाबा से, मैंने कहा बाबा अगर आपके बच्चे ने, जिसने आज तक बाहर की आइसक्रीम नहीं खाता, वो बिस्किट नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, अगर उस बच्चे को हॉस्पिटल का खाना पड़ा ना, तो ये अब आपके ऊपर है। उस बच्चे ने कोई कमी नहीं करी, और आप मानना उसी टाइम डॉक्टर का फोन आया कि आप घर का खाना ला सकते हैं। नहीं खाया उन्होंने, चाहे उनके इंजेक्शन नहीं दिए गए, कि दवाइयां नहीं दी गई, रात को छोड़ के आई थी सुबह 10 बजे तक, उस आत्मा ने नहीं खाया, घर का आएगा तभी खाऊंगा। मैं भी बाबा से बस उसी बात के लिए लड़ी, एक बात के लिए, और बाबा ने वो भी कैसे कैसे, और उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स आई बाबा ने सॉल्व करते गए। तो मतलब कैसे उस पिता को हम लड़ सकते हैं, हम कभी उससे कुछ मांग सकते हैं जिसको पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेकिंग रिलेशनशिप विद बाबा। बाबा ने पिता ही नहीं, डॉक्टर का संबंध, भाई का संबंध, बेटे का संबंध, सर्जन का संबंध, पिता का संबंध, साजन का संबंध, मुझे सारे संबंध अनुभव कराए उन 2 महीनों के अंदर, क्योंकि बहुत लंबा टाइम, 1 महीना आईसीयू में रहे, फिर 1 महीना ऑक्सीजन पे रहे, और वो ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ दूसरे हॉस्पिटल में, मतलब दैट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, बट मुझे चैलेंज नहीं अनुभव होने दिया, मुझे हर पल यही लगा बाबा मुझे अनुभवी बना रहा है, बस अनुभवी बना रहा है, एंड आई वॉज रेडी फॉर एवरी सीन, क्या होगा ये तो नहीं पता, बस ये था बाबा फेल नहीं हो, शक्ति हमेशा आपकी मेरे अंदर समाई रहे, बस ऐसे। That was the experience I wanted to share, कि मुझे बड़ी खुशी हुई। कई कहते हैं उस पल को याद मत करो, मैं कहती हूँ मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि वो हर पल विजय का पल था, वो हर पल बाबा की शक्ति का पल था, वो हर पल बाबा की मदद का पल था, इसलिए नहीं कि जान बच गई, इसलिए कि मैं उस समय वो महसूस करती थी। बाद में जरूर रियलाइजेशन हुई, ओके इतना सब कुछ हुआ और बाबा ने मुझे इतना सेफ रखा, दैट वॉज सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं ये कहूंगी कि बाबा जादूगर है।